कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आने वाले गुरुवार को जगन्नाथ रथ यात्रा है और पिछले रविवार को हम सब भक्तों ने मिलकर गुंडीचा मार्जन कितने लोगों ने नहीं किया। आइए इन महान भक्तों के लिए महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि इतने शुद्ध हो गए हैं कि जरूरत ही नहीं है गुंडीचा मार्जन करने की। और मैंने ये भी देखा कुछ दीक्षित भक्तों ने भी हाथ ऊपर किया था। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये गुंडीचा क्या है। कृष्ण सुना था, राधा सुना था, चैतन्य महाप्रभु भी सुना था। हम सब गौड़ीय भक्त हैं और गौड़ीय भक्तों को गौड़ीय सिद्धांत गौड़ीय प्रणाली को जानना अत्यंत आवश्यक है। ये गुंडीचा मंदिर मार्जन बहुत बड़ा उत्सव है, ये बहुत बड़ी सेवा है। कुछ भक्तों ने रविवार को किया और वैसे तो ये रथ यात्रा के अगले दिन होता है। जुहू मंदिर में है, अभी बाकी है, आप कर सकते हैं। और वैसे तो रविवार को नहीं किया तो रथ यात्रा के दिन भी कर सकते हैं। तो हमने गुंडीचा मार्जन किया परंतु उनकी कथा ठीक से श्रवण नहीं की, अतः आज चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गुंडीचा मंदिर मार्जन की हम कथा संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। यह कथा श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वादश परिच्छेद में बताई गई है। इस द्वादश परिच्छेद का प्रारंभ करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री गुंडीचा मंदिर मात्म वृंदे सम्मार्जयन शाल नत सगौर स्वचित्तवत शीतल उज्ज्वल उच्च कृष्णोपवेश पैकंचकार। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कविराज गोस्वामी इस अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, श्री गुंडीचा मंदिर आत्मवृंदे। ये गुंडीचा मंदिर क्या है? आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में विराजमान है और उस जगन्नाथ जी के मंदिर में अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान रहते हैं। वैसे ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर नील माधव के रूप में विराजमान होते हैं और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष के बाद वही नील माधव पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के रूप में प्रकट जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। और वे जगन्नाथ जी संसार के लोगों को अपना दर्शन देने के लिए, क्योंकि संसार में जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तब तक न तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं या न तो हम परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं या न तो हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। अतः भगवान के दर्शन की बहुत महिमा शास्त्र में गाई गई, दर्शन पवित्र करो। परंतु फिर भी संसार के लोग भगवान का दर्शन करने नहीं जाते हैं। तब भगवान सोचते हैं कि लोग अज्ञान है, अबुद्ध है, अतः मेरा दर्शन करने के लिए मेरे मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं, परंतु मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो परम कृपालु हूं, अतः जगत के उन पापी तापी जीवों को कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। रथ यात्रा के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है और हजारों लोग इनका दर्शन करते हैं।
जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी के मंदिर से निकलती है और कुछ किलोमीटर दूर एक मंदिर है गुंडीचा मंदिर। ये गुंडीचा मंदिर राजा इंद्रदुम्न के द्वारा बनाया गया है। जगन्नाथ जी को इस पृथ्वी पर प्रकट करने वाले राजा का नाम था इंद्रदुम्न और इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो राजा इंद्रदुम्न ने अपनी पत्नी गुंडीचा के नाम से यह मंदिर बनवाया। और होता क्या है, जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकलकर रथ में बैठते हैं और वहां से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और फिर गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन तक रहते हैं, 10-11 दिन तक रहते हैं और 10 दिन के बाद रिवर्स से रिटर्न रथ यात्रा होती है। हमारे यहाँ तो एक ही बार होती है, वहां रिटर्न होती है और फिर से 10 दिन गुंडीचा मंदिर में रहकर जगन्नाथ जी अपने मंदिर में चले जाते हैं। तो होता क्या है, साल में मात्र 10 दिन ही जगन्नाथ जी उस गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और बाकी साल भर वह मंदिर बंद पड़ा रहता है। तो आप जानते हैं जो घर बिल्कुल बंद पड़ा रहता है उसमें मिट्टी जम जाती है, धूल दूषित हो जाता है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को अपने आचरण से सिखाया कि जहां हमें भगवान को विराजमान करना है उस भगवान के लिए उस स्थान को हमें साफ करना चाहिए। कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री गुंडीचा मंदिर, ये गुंडीचा मंदिर जो है उस मंदिर को आत्म वृंदे, आत्म माने अपने, वृंदे माने संघ समुदाय भक्त, अपने समस्त समुदाय भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु उस गुंडीचा मंदिर को सम्मार्जयन, सम्यक रूपेण मार्जन किए, मार्जन माने साफ किए। तो मार्जन नहीं किए, सम्मार्जन, सम्यक रूपेण। कल मेरी पत्नी बता रही थी कि हमारे कोई दूर के मामा जी हैं, उनके लड़के ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी। बोला क्यों? बोले उनकी सास कहती थी कि उनकी पत्नी को कपड़े धोने नहीं आता है, धोने धोने में अंतर होता है, मार्जन और सम्मार्जन। आज की नई बहू जो कपड़े धोती है वो मार्जन के समान है और पुराने जमाने के लोग कपड़े धोते वो सम्मार्जन के समान। मार्जन, सम्मार्जन, बिल्कुल बिल्कुल धो धो के, बिल्कुल एकदम रगड़ के साफ कर। मंदिर से शनिवार को शाम को मुझे फोन आया, प्रभु जी कल सुबह 8 बजे गुंडीचा मंदिर मार्जन है, आपको याद है ना, पूरे ग्रुप को लेकर आए। बोला क्या बताऊं प्रभु जी, हमारे भक्तों में इतना उत्साह, मुझे टेंशन आ रहा है कि ये लोग रोड मार्जन करते करते डामर के रोड को उखाड़ डालेंगे, मुझे ये टेंशन है। बिल्कुल उत्साह से, इसे कहते सम्मार्जन, घिस कर साफ कर रहा है। तो गुंडीचा मंदिर आत्म वृंदे अपने भक्तों को साथ लेकर सम्मार्जयन, बहुत सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु ने साफ कराया। और साफ ही नहीं किया, शाल नतः उसको धुलवाया। आज से लगभग 15 साल पहले हमारे घर पर वो जो ऑटोमेटिक झाड़ू मारने का मशीन आता है ना, वैक्यूम क्लीनर, एक्वागार्ड का आता है ना, वो एक्वागार्ड की कंपनी वाले हमारे घर पर आए और तो मार्केटिंग करते हैं। तो उन्होंने हमें प्रश्न पूछा, बोले आप अपने घर को साफ करने के लिए क्या करते हो? झाड़ू मारते हैं। झाड़ू मारने से घर साफ हो जाता है तो फिर पोछा क्यों लगाते हो? रंगभूषण प्रभु बताइए। हाँ वेरी गुड, मारते होंगे आप। झाड़ू मारने से मोटा मोटा कचरा निकल जाता है लेकिन छोटे छोटा जो रज होता है वो रह जाता है, तो पोछा लगाने से वो भी निकल जाता है ना। तो पहले महाप्रभु ने झाड़ू मरवाया, सम्मार्जयन माने झाड़ू मारना और प्रक्षालन माने शालन, शालनत माने धोना, उस गुंडीचा मंदिर को धुलवाया सगौरव। और कैसे साफ करवाया, श्लोक के दूसरी लाइन में कहते हैं स्वचित्तवत,
चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को ऐसे धोया कैसे अपने चित्त के समान। साक्षात भगवान का चित्त जितना उज्जवल है, जितना पवित्र है, शुद्ध है, अपने चित्त की तरह महाप्रभु ने उसे धुलवा दिया और धोकर स्वचित्तवत शीतल और उसे शीतल कर दिया, उज्जवल और इतना सुंदर उज्जवल बना दिया कि भगवान उसके ऊपर बैठ सके। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बहुत सुंदर गुंडीचा मंदिर मार्जन की यह लीला संपन्न की। आइए किस प्रकार से महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन किया हम संक्षिप्त में इस कथा का श्रवण करें। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। क्रम तो आप सब शायद जानते हैं, 24 वर्ष की आयु में महाप्रभु ने सन्यास लिया और सन्यास लेकर अपनी माता के कहने पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे। जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया और उसी मंदिर में बेहोश होकर गिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे लेकर गए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं जैसे जैसे एक शियार रात दिन हाउ 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 करता है, वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि जब तक चैतन्य महाप्रभु मुझे नहीं मिले थे तब तक मैं सियार की तरह वेदों के मंत्र और वेदों के पाठ को हाउ 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 करता था, लेकिन जिस दिन चैतन्य महाप्रभु मुझे मिल गए उस सियार की हाउ छोड़कर मेरे मुख से हरि हरि शब्द निकलने लगा, भगवान का नाम निकलने लगा। यह है महाप्रभु की मुझ पर कृपा। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर रहे और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से दक्षिण भारत की यात्रा में गए। आज जब मैं चैतन्य चरितामृत लेकर बैठा था, मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि भागवत कथा तो प्राय करते हैं लेकिन एक कथा ऐसी करें जिसमें चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का भ्रमण। बहुत सुंदर महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की जिसमें अनेक लोगों को मिले, अनेक मंदिरों में गए और बहुत सुंदर अपने आचरणों से सिद्धांत स्थापित किया। दक्षिण भारत की यात्रा करके फिर से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए और इन दिनों जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत निकट आ रही थी, इसलिए अनेक भक्त अनेक प्रांत से अनेक राज्य से जगन्नाथपुरी में आने लगे। रामानंद राय आए, प्रताप रुद्र, अनेक लोग आने लगे। और एक दिन की बात, जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन निकट आ रहे हैं और उन दिनों प्रथमे प्रभु काशी मिश्रे रे यानिया पड़ी चा पात्र सर्व भौम आनिल डाकिया। महाप्रभु ने देखा कि रथ यात्रा निकट आ रही है, हमें तो पता भी नहीं रथ यात्रा कब है, तो प्रभु जी ने आकर बताया कि गुरुवार को है इसलिए है। तो कौन जानता है रथ यात्रा कब और क्या मतलब हमें है? ऐसा सोचते ना। परंतु जितने भी उत्सव हो, जितने भी फेस्टिवल हो, हम सबको याद होने चाहिए। आज कौन सा फेस्टिवल है बताइए? किसको दीक्षा लेनी है आप जानते हैं? बोलिए। नहीं जानते? दीक्षा लेनी है, मत लेना। पहले जान के आज कौन सा उत्सव है? आज ठाकुर भक्ति विनोद का तिरोभाव दिन है और आज दोपहर को 12 बजे तक उपवास था और हम अपने आप को भक्त मानते हैं। क्या भक्ति कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। खैर, तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि रथयात्रा निकट आ रही है और रथयात्रा निकट आ रही है जानकर उन्होंने 3 लोगों को बुलाया, काशी मिश्र,
परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य। काशी मिश्र सार्वभौम भट्टाचार्य और परीक्षा पात्र माने वहां राजा के जो मंत्री होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनको बुलाया। तीन जनार पाशे प्रभु हासिया कहिल, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी दिल। देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि ये तीनों जन चैतन्य महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु कहने लगे, प्रभु आपने हमें बुलाया, हमारे लायक कोई सेवा है, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तीन जनार पाशे प्रभु हासिया कहिल, गुंडीचा मंदिर मार जन सेवा मागील। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे पारीछा पात्र जी, हे काशी मिश्र जी, महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मुझे आपसे कुछ सेवा चाहिए। तो ये लोग हंसने लगे, बोले महाप्रभु आप हमारी सेवा करोगे? नहीं, मुझे आपसे कोई सेवा चाहिए। क्या चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस बार गुंडीचा मंदिर को हम लोग मार्जन करेंगे। तब तो ये तीनों महाप्रभु के चरणों में गिर गए। पारीछा कहे आमी सब सेवक तुम्हार। वो जो राजा का मंत्री था, राजा का अनुचर, उन्होंने कहा कि महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, हम आपके सेवक हैं और आप इशारा करो, मंदिर को हम तुरंत मार्जन करवा देंगे। राजा के हजारों अनुचर, हजारों सेवक, नौकर, दास दासियां, ये सब लोग मिलकर आप कहो वैसे साफ कराएंगे। परंतु आप इतना सुंदर देह विग्रह आपका, आप इतने सुंदर शरीर के द्वारा मंदिर को साफ करोगे? आप ऐसी तुच्छ सेवा न करें। जय तुम्हार इच्छा सही कर्तव्य मां, आप मत करो। देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत यहां पर स्थापित हो रहे। सर्वप्रथम सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु परीक्षा पात्र के पास दोनों हाथ जोड़कर सेवा मांग रहे हैं, है ना? इस संसार में और हमारे प्रैक्टिकल जीवन में जब भी हमें कभी सेवा करनी होती है, सेवा करने की जब इच्छा हो, तो सर्वप्रथम चाहे मंदिर हो, चाहे काउंसलिंग हो, जिनके पास सेवा है उनसे दोनों हाथ जोड़कर सेवा मांगनी चाहिए। हम लोग सेवा मांगते नहीं है कभी कभी, वैसे तो सेवा करते नहीं है, और कभी कभी मूड हो जाए तो तुरंत जाकर खड़े रह जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग सेवा करते हैं, उसको सेवा करने नहीं आता, अरे तुझे क्या सेवा करने आता है, मैं करता हूं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। महाप्रभु की तरह गुंडीचा मंदिर मार्जन करने की टेक्निक कोई जानता था? कोई नहीं। लेकिन फिर भी महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर सेवा मांग रहे हैं। वैसे तो हमारे जीवन में तो ऐसी नौबत आती नहीं, क्योंकि हमें सेवा चाहिए ही नहीं। सामने वाला सेवा दे देकर थक जाता है, फिर भी सेवा लेते नहीं। ये तो सेवा लेने वालों के लिए सिद्धांत है। जिनको सेवा चाहिए उसे सर्वप्रथम जो अधिकारी है, मंदिर का अधिकारी, उनसे सेवा। अब चैतन्य महाप्रभु के सामने वो पारीछा पात्र क्या है? है अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पर ब्रह्म। राजा ने अपने सभी अनुचरों को कह के रख दिया है कि महाप्रभु जो भी कहे उनकी सारी इच्छा को पूर्ण करना। वो थर्ड क्लास का परीक्षा पात्र राजा के सामने, लेकिन महाप्रभु फिर भी दोनों हाथ जोड़कर उसे विनंती कर रहे हैं। इस संसार में जिसके पास सेवा होती है ना, वही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। चैतन्य महाप्रभु ने यह दिखाया। राजा कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो सेवा नहीं करता है भगवान की, तो वो राजा बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन राजा के वहां कोई नौकर है या और वो भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो राजा से बड़ा है। सेवा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे साक्षात भक्त होकर भी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि इस बार गुंडीचा मंदिर हम साफ करना चाहते हैं। यदि हम होते तो गर्व से कहते, आप लोगों को करने की जरूरत, हम लोग कर लेंगे। मांग रहे हैं तो सेवा मांगनी चाहिए।
और सेवा किसी वरिष्ठ अधिकारी से मांगनी चाहिए, हमारे निज गुरु से सेवा मांगनी चाहिए और उस सेवा को प्रेम से करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे मंदिर मार्जन करने की सेवा चाहिए, तब उस पड़ीचा पात्र ने कहा, उस अनुचर ने, पाड़ीचा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, महाप्रभु आपको ये करने की जरूरत नहीं, हम तो आपके सेवक हैं और हम सेवा करेंगे वो आपके नाम की होगी। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस संसार में मान लो कोई प्रचार करते हैं और प्रचार करते करते गुरु के स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो गुरु सेवा करना चाहते हैं लेकिन शिष्य करने नहीं देते, प्रभु जी आप ये सेवा करोगे, आप प्रवचन करो बस, लोगों को उपदेश दो और अपना पतन करो, हम सेवा करेंगे। इस संसार में एक बार राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि एक शिष्य अपने गुरु का जितना पतन कराता है उतना बाहर का कोई नहीं कराता है, प्रशंसा करके उनकी सेवा और सेवा छीन कर। अब हमारी बात सुनिए, हम कोई गुरु तो है नहीं, लेकिन रविवार को जब मार्जन करे तो कितने लोग मेरे पास आए, जैसे झाड़ू में हाथ में लेता था मेरे हाथ से कोई लेकर चला जाता था, जबरदस्ती 15 मिनट तक बहस करते थे, अरे नहीं मैं करूंगा, फिर भी खींच कर लेकर जाते थे। तात्पर्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात जिस सेवा को कर रहे हैं भगवान होकर, तो क्या हमें उस सेवा को नहीं करना चाहिए। रविवार को माधवन प्रभु ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले कि ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है ना, ये प्रवचन करने का विषय नहीं है, ये जीवन में अप्लाई करने का विषय, ये उपदेश का विषय नहीं, ये करने वाला विषय, लेकिन हम मात्र उपदेश देते रहते हैं, करते कुछ नहीं। वैसे यहां पर भी मैं नहीं करने वाला था, लेकिन कुछ आए ही नहीं थे गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के, तो कम से कम कथा के माध्यम से तो हो जाए। तो ध्यान रहे कि मान लो कोई नम्रता के भाव में हमें कहे कि नहीं नहीं आप तो महान हो, आप क्यों सेवा कर, परंतु हमें उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि संसार के व्यक्ति जब हमारी प्रशंसा करे तो हमें यही समझना चाहिए कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं। यदि उस प्रशंसा को एक बार भी अपने कान से हृदय में उतार दिया, जीवन में दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी, पतन शुरू हो जाएगा। हमारे गुरु जो हमारी प्रशंसा करते हैं वही हमारी वास्तविक प्रशंसा, हमसे जो वरिष्ठ हैं वो हमारी प्रशंसा करे तो ठीक है, परंतु बाकी छोटे लोग तो प्रशंसा करते रहेंगे, उस प्रशंसा को हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए और कभी भी हमें हमारे कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे कि हम तो आपके सेवक हैं, महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं मुझे सेवा चाहिए, परंतु जो सच्चा सेवक होता है ना वो अपने गुरु का रूख समझता है। देखिए परीक्षा पत्र ने तुरंत कह दिया, जय तुम्हार इच्छा सही कर्तव्य आमार। कवि चैतन्य चरितामृत पढ़िए, बहुत सुंदर, एक आधे प्यार में इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया कि जय तुम्हार इच्छा है महाप्रभु, जो आपकी इच्छा है वही हमारा कर्तव्य है। कभी कभी हम लोग गुरुजनों की सेवा, वरिष्ठों की सेवा करते करते हमारा कर्तव्य भूल जाते हैं। जब हम हमारे वरिष्ठ की या गुरु की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य यह है कि हमारे कार्य से हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरु प्रसन्न रहे, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे स्वार्थ के कारण हम हमारे गुरु की प्रसन्नता को तोड़ रहे हैं, गुरु को दुखी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम हमारे गुरु के पांव को छुए तो गुरु को कष्ट होता है, उनको दुख होता है, लेकिन फिर भी हमें कृपा मिल जाएगी ये सोचकर हम उनके पांव को छुएंगे, तो गुरु यदि नाराज हो गए, दुखी हो गए, तो उनके पांव को छूकर या उनके पांव को धोकर पानी पीकर भी हमें वो लाभ नहीं मिलेगा। अतः हमें गुरु की आंतरिक इच्छा को और गुरु की प्रसन्नता को समझना चाहिए। कई बार किसी के घर पर जाते हैं और प्राय कथा के बाद लोग बुलाते हैं हमारे घर पर आए, विशेष करके गांव में तो घर पर बुलाते हैं। वैसे एक दिन में 10 से 15 लोगों के घर पर जाना होता है,
तो एक के घर पर शरबत पिया, दूसरे के घर पर फ्रूट, ये वो करते करते वो तो घर वाले अकेले पिला रहे हैं, लेकिन हम तो 10 घरों का पीकर आ रहे हैं, है ना। 10वें घर पर गए और उन्होंने भोजन तैयार किया, 1 रोटी 2 रोटी 5 रोटी। अब उनका भाव है कि हमने मेहनत से बनाया है, प्रभु जी आए हैं खाए, लेकिन भाव के साथ साथ उन वरिष्ठ की प्रशंसा भी देखनी चाहिए ना, कि वे 2 रोटी खाने में ही प्रसन्न है, तीसरी रोटी खाएंगे तो उनके पेट में गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं, 2 ही क्यों खाएंगे, 4 खाएंगे। तो हमारी दृष्टि से ऐसा लगता है कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नहीं, वो गुरु की प्रशंसा नहीं है, वो अपराध है, गुरु इससे प्रसन्न नहीं है। और हो सकता है ये यदि बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए तो ये अपराध भी बन जाए। अतः सदैव ध्यान रहे, हमारे जीवन में गुरु का आदर होना चाहिए, समादर होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए। कर्तव्य क्या है? गुरु की प्रसन्नता, वो जैसा चाहते हैं। कभी कभी गुरु महाराज हमारे दीक्षा गुरु आते हैं और कहते हैं आप हमारे घर पर आइए, सब लोग गुरु जी के पास, हमारे घर पर, हमारे घर पर आइए, हमारे घर पर आइए। तो हम हमारे स्वार्थ के कारण भाव होना चाहिए कि हमारे दीक्षा गुरु हमारे घर पर आए, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि बेचारे 10 लोगों के घर पर जाकर आए, है ना। हम हमारे स्वार्थ के कारण हमारे घर पर लेकर जाएंगे, वो तो ना बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको जो कष्ट होगा, हम उनके कष्ट से राजी नहीं है, हमें चाहे कृपा मिले या ना मिले, लेकिन हमें हमारे गुरु को दुखी नहीं करना है, ये हमारा लक्ष्य है ना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो हम सब भक्तों के ध्यान में रखना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है। पहले तो कहा कि ये सेवा आप मत कीजिए, हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपकी सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। विशेष राजार आज्ञा हई छे हमारे, जई प्रभुर इच्छा से ही शीघ्र करिवार। और ऊपर से राजा ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु जो मांगे उसे तुरंत कर देना। और हमें तो ऐसा लगता है कि महाप्रभु ये आपकी एक कुछ नई लीला है, तो अब कीजिए, आपकी इच्छा है तो आप इस लीला को कीजिए, परंतु बताइए हम क्या करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऑर्डर लिखो, किंतु घट सम्मार्जन बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यहां आने लिए। सम्मार्जन करने के लिए, गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने के लिए बहुत सारे घड़े चाहिए। कितने घड़े चाहिए? 100 घट। चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर दिया 100 घड़े वहां पहुंचा दो। बोले तुम सेवा ही करना चाहते हो ना, तो 100 घड़े पहुंचा दो। 100 घट शत सम्मार्जनी और 100 झाड़ू सम्मार्जनी, नूतन प्रभुर आगे दिल पड़ी छानी। तो इस प्रकार परीक्षा पात्र गए और वे नए घड़े और नए झाड़ू लाकर चैतन्य महाप्रभु को दे दी। और उस दिन रात को चैतन्य महाप्रभु सो गए और महाप्रभु ने कह दिया था सबको मंगला आरती में जग जाना है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा सबके लिए शिरोधार्य है। सब लोग मंगला आरती में जग गए। आर दिन प्रभाते प्रभु लैया निज गण, और चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को लेकर श्री हस्ते सवार अंगे लेपिल चंदन, सभी लोगों को उस जगन्नाथपुरी के रास्ते पर बुलाया और सबको मार्ग के ऊपर खड़ा रखकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से सभी भक्तों के मस्तक पर चंदन लगाया। और चंदन लगाकर महाप्रभु ने सभी भक्तों के हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया। ये भक्त भी समझ नहीं पाए कि ये क्या करना चाहते हैं। महाप्रभु ने अब तक किसी को बताया नहीं था। बोले ये झाड़ू और ये मटके ये सब है क्या? महाप्रभु ने कहा चलो गुंडीचा मंदिर गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करीले शोधन। चैतन्य महाप्रभु सबको गुंडीचा मंदिर में लेकर गए और रास्ते में महाप्रभु ने बता दिया कि हमें वहां जाना है, जाकर मंदिर को साफ करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने सबको उत्साह दिलाया कि गुंडीचा मंदिर को साफ करने से हमारा हृदय साफ हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण की ये सबसे बड़ी भक्ति है, ऊर्ध्वमूल अधःशाखा। इस संसार में सबसे निकृष्ट, सबसे छोटा काम क्या है? शूद्र का काम झाड़ू मारना है ना। आज कोई झाड़ू वाले को स्पर्श कर लेते तो स्नान करना पड़ता है। झाड़ू मारना ये दुनिया का सबसे छोटा काम,
लेकिन ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, बिल्कुल ओपोजिशन, ओपोजिट। तो जो इस जगत में सबसे छोटा काम है वो भगवान के धाम में सबसे बड़ा काम है। झाड़ू मारना भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश के विषय में ये बात आई है, पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा, परंतु राजा अम्बरीश के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा चुत्सत कथोदय। महाराज अम्बरीश का मन निरंतर भगवान में लगा हुआ रहता था, महाराज अम्बरीश की वाणी निरंतर भगवान का गुणगान करने में लगी रहती थी, महाराज अम्बरीश के कान निरंतर भगवान की कथा सुनने में लगे रहते थे, और उस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश के हाथ भगवान के मंदिर में झाड़ू मारने में लगे रहते थे। राजा थे, अनेक दास दासियां नौकर चाकर, लेकिन भगवान का मंदिर स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पिछले दिन हम काशी में थे तो वहां पर इस्कॉन में हमारा प्रवचन था, तो जीवन में पहली बार उस श्लोक के ऊपर मुझे प्रवचन देना हुआ, लेकिन बहुत सुंदर नई चीज जानने मिली। जहां संकादिक गण भगवान के धाम में जाते हैं वहां मैत्रेय मुनि विदुर जी को वैकुंठ का वर्णन करते हैं, तो वैकुंठ लोक में उस श्लोक में लिखा था, वैकुंठ लोक में जो भूमि है उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है, संगे मरमर श्लोक में आया है, और ऐसा मार्बल के कभी मेला नहीं होता है, वैकुंठ है ना भगवान का धाम, कभी भी वो मेला नहीं होता है, बिल्कुल साफ ही रहता है। परंतु फिर भी वैकुंठ में जो भगवान के भक्त हैं, जो लक्ष्मी जी का रूप धारण किए हैं, तो वे स्त्रियां निरंतर उस मार्बल के ऊपर पोचा मारती रहती है। वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं और उसमें क्या कहते हैं कि भगवान ये कर रहे हैं, जो पुरुष हैं वो ये कर रहे हैं, जो लक्ष्मी जी, जो स्त्री हैं उनका लक्ष्मी जी जैसा स्वरूप है, और वो लोग उस मार्बल को साफ करते रहते हैं। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने प्रश्न उठाया, बोले मार्बल कभी मेला ही नहीं होता तो साफ करने की क्या जरूरत। भागवत के तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय और लगभग 21-22वां श्लोक है। बोले मार्बल मेला नहीं होता तो वह हजारों हजारों स्त्रियां जो लक्ष्मी जी के रूप को प्राप्त की हैं, और जो लक्ष्मी जैसी ही लगती है, जिसके हाथ में कमल है, और उसी लक्ष्मी को ब्रह्म संहिता में कहा गया है लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम। लक्ष्मी तो एक ही है, लेकिन वैकुंठ में जो स्त्रियां हैं उनका रूप लक्ष्मी जैसा है, अतः लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की वो झाड़ू पोछा मारती है। तो प्रभुपाद जी का ये प्रश्न उठा, उस श्लोक में ही आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि जब मार्बल मेला नहीं होता, वैकुंठ में कभी धूल धूमिल कोई कचरा नहीं है तो साफ करने की क्या आवश्यकता। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वो मेला नहीं है लेकिन फिर भी साफ कर रहा है। तो इस संसार में जब वैकुंठ धाम में जाकर लक्ष्मी जी ये काम करती हैं, अतः हमें भी वहां जाकर यही करना है, तो उसकी प्रैक्टिस यहां से होनी चाहिए। एक बार राधानंद महाराज गौरांग प्रभु को कहे कि गौरांग प्रभु अब मात्र प्रवचन ही मत करो, साथ ही साथ और कुछ सेवा भी सीख लो, क्योंकि वैकुंठ में प्रवचन करने की सेवा नहीं है, वहां तो झाड़ू मारना, भगवान के लिए माला बनाना, तो और कुछ साथ में सीख लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे हाथों से भगवान का मंदिर रोज साफ करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैंने एक संस्था बनाई इस्कॉन, और मेरी इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी, बोले क्लीनलीनेस, स्वच्छता। स्वच्छता ये मेरी संस्था का आभूषण होगा। और आप देखिए इस्कॉन में है ना, इस्कॉन में जितनी आप कोई भी तीर्थ यात्रा या धाम में चले जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, इस्कॉन की जो स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है,
वो अन्य कहीं नहीं पाई जाएगी। यहां तक कि इसको रेस्टोरेंट में भी देखिए, गोविंदाज श्रीनाथ जी है ना, आप जाके देख कितना स्वच्छ है। जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं वो भी श्री प्रभुपाद जी की इस कृपा का अवलंबन करते हैं। तो स्वच्छता होनी चाहिए। जब तक हम बाहर से स्वच्छ नहीं बनेंगे तो अंदर से स्वच्छता कैसे आएगी? अंतर बहिर है? बाहर और अंदर से दोनों से स्वच्छ रहना चाहिए स्वच्छता। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सबको बता दिए कि हमें जाकर गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है। सब लोग उत्साह में आ गए, बोले तो आज तो हम धो डालेंगे पूरा मंदिर। और सब लोग गुंडीचा मंदिर के पास पहुंच गए, लेकिन जब तक महाप्रभु की आज्ञा नहीं हुई तब तक कोई शुरू नहीं हुए। सब लोग वहां खड़े रह गए और उतने में ही चैतन्य महाप्रभु ने सबको आदेश दिया। और आदेश देकर, जैसे ही आदेश दिया, जैसे पूरा लश्कर युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ता है, वैसे सब भक्त हाथ में झाड़ू, जैसे तलवार और भाला से युद्ध करने जाना हो वैसे हाथ में झाड़ू लेकर दौड़ पड़े। और सब लोग साफ करने लगे, भीतर मंदिर ऊपर सब सम्मार जिल, कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ ऊपर कुछ नीचे, बंदरों की तरह सब बिखर गए। और सब लोग झाड़ू से साफ करने लगे। सिंहासन मार्जिचारी भीत से शोधिल, और सिंहासन भीत दीवार ये सब को साफ करने लगे। चारी पाशे शत भक्त सम्मार्जनी करे, चारों दिशा में सभी भक्त छा गए और सब भक्त हाथ में झाड़ू लेकर सम्मार्जन करने लगे। आपनी शोधय प्रभु सिखाए सवार, हमारी तरह नहीं। इस संसार में जो गुरु के पद पर है, वरिष्ठों के द्वारा आज्ञा मिली है कि आप लोग गुरु बनो, हमार आज्ञा है गुरु बनो और तार यही देश, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भक्तों को एकत्रित करते हैं, एकत्रित करके आदेश देते हैं, चलो करो सब लोग, और फिर हम लोग खड़े रह जाते हैं, देखते हैं। देखिए, इस संसार में सेवा करना ये सबसे उच्च कार्य है ना? और सेवा करने से भी उच्च कार्य है सेवा बांटना। ध्यान से सुनिए, सेवा करना ही सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन अकेले अकेले सेवा करने से अच्छा है अनेक लोगों को सेवा बांटना। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेवा बांटते बांटते खुद अपनी सेवा हम छोड़ दे। सबसे अच्छा कार्य क्या जानते हैं? कि हम सेवा करें, और हम तो सेवा करते रहिए, हमारे साथ साथ हजारों को सेवा कराए। चैतन्य महाप्रभु ने यही किया कि चारी पाशे शत भक्त सम्मार्जनी करे, चारों दिशाओं में सैकड़ों भक्त झाड़ू मार रहे हैं, परंतु कैसे? आपनी शोधय प्रभु सिखाए साभार, अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु सबको सिखा रहे हैं। अर्थात महाप्रभु को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, वे खुद हाथ में झाड़ू लिए और खुद साफ करने लगे। महाप्रभु को देखकर सब लोग साफ करने लगे। इस संसार में आचरण एक ऐसी वस्तु है कि यदि कोई व्यक्ति आचरण करने लगे तो उसे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति आचरण न करे और कितना भी उपदेश दे, अपना गला फाड़ दे, परंतु आचरण नहीं करता है, तो उसके उपदेश का कोई असर नहीं होगा। अतः चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि आपनी आचरित, अपने आचरण से सबको सेवा में लगाना। प्रेमोल्लास से गृह शोधे लय कृष्ण नाम, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि सब लोग झाड़ू तो मार रहे थे, लेकिन झाड़ू मारते मारते क्या करते, हम लोग भी सेवा करते हैं। और कुछ लोग बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, हर रविवार को मंदिर में जाकर सब्जी काटने की सेवा करते हैं, है ना? लेकिन सब्जी काटते काटते कुछ भक्तों के चरित्र को भी काटते रहते हैं कि फलानी बहन तो ऐसी है, फलाने भाई ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं, वो वैसे, उसने ऐसा किया है। तो सब्जी काटते काटते दूसरों को नहीं काटना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं, चाहे सब्जी काटने को, चाहे झाड़ू मारने की, कोई भी सेवा हो, तो वह सेवा करते करते हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। कहते प्रेमोल्लास से गृह शोधे,
साफ कर रहे हैं, साफ करते करते लय कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। सब भक्त कृष्ण कृष्ण कह के सभी कार्य कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सब लोग साफ कर रहे हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मंदिर थोड़ा बड़ा है, और लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए महाप्रभु ने क्या कहा, बोले एक काम करते हैं, हम सब लोग साफ झाड़ू से ये मंदिर साफ करते हैं, जो जितना ज्यादा कचरा एकत्रित करेगा वो जीत जाएगा कॉम्पिटिशन। तो सब लोगों ने कॉम्पिटिशन लगाई, सब लोग धूल को एकत्रित करने लगे, परंतु चैतन्य महाप्रभु की जो जो क्या कहते हैं उसको आप डगलो के ढेर, चैतन्य महाप्रभु की मिट्टी का जो ढेर था वो सबसे बड़ा था। तो इस प्रकार महाप्रभु, क्योंकि वो भगवान है और दिखाया महाप्रभु ने कि बड़े उत्साह से हमें सेवा करनी चाहिए, परंतु ये झाड़ू मारते मारते महाप्रभु ने देखा कि कुछ लोग बड़े आलसी हैं और झाड़ू लेकर कोने में बैठ गए। होते ना कुछ लोग सेवा करने में, सभी प्रकार के सभी क्वालिटी के लोग होते हैं सेवा करने में भी। महाप्रभु ने देखा कि कुछ लोग बहुत आलसी हैं, लेकिन वहां जाकर महाप्रभु ने डांटा नहीं। कई बार जब कोई भक्त ठीक से सेवा नहीं करता है तो जो लीडर होता है वो डांट देता है, अरे तुम कैसे हो, सेवा करने को भी नहीं आता है, और सेवा करने को नहीं आता तो सेवा हाथ में क्यों ले लिया। महाप्रभु ने सिखाया कि जब कोई ठीक से सेवा नहीं करता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए। क्या टेक्निक करनी चाहिए, महाप्रभु जो ठीक से झाड़ू नहीं मारता था महाप्रभु उनके पास जाते थे, कहते वाह आप क्या झाड़ू मार रहे हो, हमारे जितने लोग यहां पर आए हैं उनमें से जो सबसे अच्छा झाड़ू यदि कोई मार रहा है तो वो तुम, क्या झाड़ू मार रहे, और मैं तो चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से झाड़ू मार रहे हैं वैसे दूसरों को भी सिखाइए। तब उसको लज्जा आ जाती थी, और लज्जा के मारे, क्योंकि दूसरों को झाड़ू मारना सिखाना इसलिए वो भी बड़े उत्साह से झाड़ू मारने लगता था। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का भाव, ये है टेक्निक। कभी भी किसी भक्त के ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। सब लोग अपनी अपनी योग्यता से उड़ रहे हैं, जो चिड़िया होती है वो अपनी योग्यता से, कौवा अपनी योग्यता से, गरुड़ अपनी योग्यता से उड़ रहा है, सब लोग अपनी अपनी शक्ति से सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए ये बड़ी ये अच्छी ये बुरी सेवा कर रहे हैं। हाँ, दूसरों को उत्साह देने के लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। डांटने से उत्साह टूट जाता है और प्रशंसा करने से उत्साह बढ़ जाता है ना। तो महाप्रभु ने प्रशंसा की और सबको सेवा में लगा दिया। और महाप्रभु ने देखा कि जब अब झाड़ू लग गया, अब मोटे मोटे मोटा मोटा कचरा निकल गया, तब महाप्रभु ने सभी भक्तों को आदेश दिया, अब एक काम करे, ये घड़े को लेकर कुएं से पानी भर कर लाओ, हम अब मंदिर को धोएंगे। तो सभी भक्त घड़े लेकर लेकर कुएं में भरने के लिए जाते थे, आते थे, एक लाइन जाने की एक लाइन आने की, जाते आते सब लोग हरि बोल हरि बोल, और इतने उत्साह से कीर्तन करते हुए नाचते हुए सेवा कर रहे थे। कभी कभी एक दूसरे लोग टकराने से वो घड़े भी फूट जाते थे, लेकिन घड़े फूटने पर भी हाय बाप हाय राम टूट गया फूट गया नहीं, हरि बोल करके सब लोग नाचते थे। इस प्रकार से अनेकों घड़े के जल के द्वारा उस मंदिर को साफ किया और भक्तों के हृदय में दुख तो तब लगा जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऊपरीय वस्त्र निकाल दिया। चैतन्य महाप्रभु दो ही वस्त्र पहनते थे, एक नीचे छोटा सा गमछा और एक ऊपरीय वस्त्र रखते थे। महाप्रभु ने ऊपरीय वस्त्र लेकर जगन्नाथ जी जिस स्थान पर बैठने वाले हैं उस स्थान को अपने कपड़े से साफ किया। जहां हम हमारे कपड़े को इतना ध्यान रखते हैं कि थोड़ी भी मिट्टी न लग जाए, कथा में प्रवचन में आकर बैठते हैं तो बिल्कुल स्त्री न निकल जाए, और यहाँ तक वृंदावन जैसे धाम में जाते हैं फिर भी ऐसे साफ 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 करके बैठते हैं, जहाँ हम लोग हमारे कपड़े का इतना ध्यान रखते हैं वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने अपने वस्त्र को ही निकाल कर भगवान के मंदिर को साफ करने लगे। महाप्रभु ने दिखाया कि जो कीमत भगवान की, भगवान के मंदिर की और मंदिर में स्वच्छता की है, वो कीमत हमारे वस्त्रों की नहीं है। हमारा सब कुछ देकर भी
भगवान को साफ सफाई और भगवान को प्रसन्न रखना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया। और महाप्रभु कहते थे कि लाओ जरा पानी यहाँ पर डालो, तो वहाँ पर बहुत सुंदर बात होती थी कि एक तो कुछ भक्त आपस में समझौता कर लेते थे और एक भक्त को भेजते थे, एक भक्त मटके में पानी लेकर महाप्रभु जहाँ कहते थोड़ा ऊपर डालते थे और आधा मटका महाप्रभु के चरणों के ऊपर, बोले वो जमीन को साफ कर। जैसे ही चरणों के ऊपर डालते थे, वो साइड पांच लोग खड़े रहते थे हाथ लेकर महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करके पानी जैसे ही दूर जाता था वो हाथ में लेकर पी जाते थे और फिर वहां से भाग जाते थे। तो इस प्रकार से अब सब लोग को ये टेक्निक पता चल गई, तो सब लोग धीरे धीरे करके महाप्रभु के पास आते थे, मटका डालते थे और महाप्रभु का चरण तक पीते थे। अनेक लोगों ने पिया लेकिन एक व्यक्ति हाथ में आ गया, महाप्रभु ने एक व्यक्ति को देख लिया। वैसे चोरी करना पाप नहीं है, लेकिन चोरी करके पकड़ा जाना ये सबसे बड़ा पाप है। तो एक व्यक्ति वहां पर पानी चैतन्य महाप्रभु का चरण तक जल पी रहा था, महाप्रभु की दृष्टि गई, क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर उस व्यक्ति को नहीं डांटा, ध्यान रहे जब कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है और सेवा करते यदि वो व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति को नहीं डांटना चाहिए। काउंसलर लोग ध्यान से सुनो, कभी भी उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति के काउंसलर के पास जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उस व्यक्ति को नहीं डांटा, स्वरूप दामोदर ये तुम्हारा गौड़िया क्या कर रहा है, स्वरूप दामोदर को बुलाया। और स्वरूप दामोदर को बुलाकर क्या कहा, ये तुम्हार गौड़िया मोर करे फजेती, मेरी फजेती कर रहा है, तुम समझाओ तुम्हारे गौड़िया को। वहां श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वरूप तुम्हार गौड़ीय, अतः ये जितने भी गौड़ीय भक्त हैं ये सब स्वरूप दामोदर के अंडर में, उनकी परंपरा के हम सब लोग। और स्वरूप दामोदर कौन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ललिता विशाखा, तो हम उनके अंडर में अर्थात दास दासानुदास ये भाव वहां पर व्यतीत होता है। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बाहर से क्रोध कर रहे हैं लेकिन अंदर से महाप्रभु को संतुष्ट, अंदर से संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि भगवान के चरण को धोकर पानी पीना, चरण दुख पीना ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन क्रोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रोल में नहीं है, भक्त के रोल में। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है, आप लोग घर पे जाके पढ़ना, बहुत बड़ा तात्पर्य। कभी भी मंदिरों में भगवान के सामने किसी भी भक्त के चरण को धोना नहीं चाहिए, प्रथम पॉइंट। प्रभुपाद जी ने जो जो लिखा मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, प्रभुपाद जी ने कहा कि मंदिर में भगवान के सामने किसी भी भक्त को, किसी गुरु के चरण को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा कि मंदिर में भगवान के सामने किसी भी गुरु की या किसी भी भक्त की आरती पूजा नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया। अब इस पॉइंट के ऊपर अनेक तर्क वितर्क, अनेक प्रश्न, अनेक उलझन, बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए आप हमें पर्सनल मिल सकते हैं, समाज में सभा में इसका उत्तर बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सत्य बात है। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखाए कि कभी भी किसी गुरु को भगवान के सामने अपना चरण नहीं धुलवाना चाहिए, या कभी भी किसी गुरु को भगवान के सामने प्रणाम नहीं लेना चाहिए, है ना। देखिए ये दोनों ओर से, शिष्य की ओर से गुरु के लिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये शिष्य की ओर से, लेकिन गुरु की ओर से क्या है, गुरु को कभी भी अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर अपना आचरण से सिखाया, मंदिर को धुलवाया। पानी निकलने का जो द्वार था, जो होल होते हैं ना, तो वो सब महाप्रभु ने बंद करवा दिए थे ताकि पानी अंदर रहे, और पूरा मंदिर साफ करवाया। पूरा मंदिर भर गया, 2-3 फुट तक पानी ऊपर चढ़ गया। और जब मंदिर पानी से साफ हो गया तब चैतन्य महाप्रभु ने वो जो होल होता है वहां से कपड़ा या वो निकलवा दिया, तो सारा पानी एक साथ बाहर मार्ग के ऊपर आ गया। पानी उस गुंडीचा मंदिर से मार्ग के ऊपर क्या आया, लोगों को लगा
कि आज रोड के ऊपर रस, रास्ते के ऊपर नदी बहने लगी। इस प्रकार से पानी बहने लगा। बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से अपना चित है उस चित की तरह मंदिर को साफ करवाया। और भक्तों, भगवान के मंदिर को धोना, ये मंदिर को नहीं, ये हमारे हृदय को धोना है। जैसे जैसे हम भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, वैसे वैसे हम हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं। और भगवान के मंदिर को धोना, भगवान को साफ करना है, भगवान को स्नान कराना, मंदिर और भगवान में कोई अंतर नहीं। मंदिर को स्नान कराना, भगवान को स्नान, पवित्र कार्य है, हम सब भक्तों को करना चाहिए। और इससे निश्चित भगवान प्रसन्न होते हैं। आप सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलना चाहते थे, परंतु जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी और अपने हाथ में सोने का झाड़ू लेकर हैं उस मार्ग को साफ करने लगे, चैतन्य महाप्रभु ने देखा राजा होकर भी ये शूद्र का कार्य कर रहा है। महाप्रभु ने कृपा कर दी, यद्यपि बाहर से नहीं लेकिन अंदर से महाप्रभु ने सारी कृपा दे दी। इसलिए महाप्रभु ने जब अपना ऐश्वर्य प्रकट किया उस सातों आठों टोली में एक साथ महाप्रभु ने अपना दर्शन दिया, तो वह दर्शन मात्र तीन लोग कर पाए, उनमें से एक थे राजा प्रताप रुद्र। और इतना ही नहीं, जब बलगंडी नामक स्थान में वह रथ रुक गया और महाप्रभु उस उपवन में गए और प्रताप रुद्र ने जब गोपी गीत गाया तो महाप्रभु ने उसे आलिंगन दे दिया। जिस राजा को महाप्रभु बिल्कुल ना कहते थे, मैं सन्यासी कभी राजा को नहीं मिलता, स्त्री और राजा दोनों समान होता है, अतः मैं उसे नहीं मिलूंगा। जिस राजा से महाप्रभु कोसों दूर रहते थे, यहां तक कह दिया था, सार्वम भट्टाचार्य ने कहा प्रभु वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप मिल लीजिए मिल लीजिए। महाप्रभु ने यहां तक कह दिया, आज के बाद उस राजा प्रताप रुद्र का नाम फिर से कभी तुम्हारी जुबान पर आया तो मैं जगन्नाथपुरी को छोड़कर चला जाऊंगा, तुम मुझे यहां नहीं पाओगे, इतना तक कह दिया था। लेकिन उस राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु ने गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में झाड़ू को देखकर। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन भगवान का मंदिर मार्ग साफ करने में भगवान इतनी कृपा बरसाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वह कृपा आज हमारे घर के आंगन के पास आ गई। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, कुछ लोग उनका लाभ नहीं लिया। दुर्भाग्य और कुछ नहीं है, हमारे घर पे काम था, ये था, फलाना था, ये सब गलत, सब बहाने, ये दुर्भाग्य है और ये भक्ति की कमी है। और अभी भी समय है, अपने भाग्य को खोलना चाहते हो तो रथ यात्रा के दिन राजा प्रताप रुद्र की तरह अपने हाथ में झाड़ू लेकर उस मार्ग को साफ करना चाहिए। और भगवान की कृपा, हम गौड़ीय भक्त हैं और गौड़ीय परंपरा में नम्रता जो है वो प्रधान है, और नम्रता आएगी ऐसी सेवा करने से। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया। और जब मंदिर साफ हो गया तब सभी भक्तों को लेकर महाप्रभु ने उदंड नृत्य किया। और नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने अनेक लोगों को कहा और प्रसाद लेकर आए। और फिर बहुत मेहनत सेवा की थी इसलिए सबको भूख लगी, अतः फिर सब लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किए। महाप्रभु सबको प्रसाद बांटे, सब लोग महाप्रभु को फोर्स करके प्रसाद खिलाए बड़े प्रेम से। सैयन नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। तो इस प्रकार से ये है चैतन्य महाप्रभु की गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला। वैसे तो बहुत विस्तार से है, समय कम होने से मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। सभी भक्तों के चरणों में निवेदन, हम सब गौड़ीय भक्त हैं, इस गौड़ीय कथा को, इन सिद्धांतों को समझना चाहिए। रथ यात्रा बहुत निकट है, आने वाले गुरुवार को, शुक्रवार को हमारा मंदिर धोने वाले हैं और गुरुवार को भी, सॉरी बुधवार को मार्जन है और गुरुवार को आप रथ यात्रा में भाग लीजिए। सभी भक्त तो रथ यात्रा में आएंगे ही, लेकिन आप अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं सभी भक्तों को मीरा रोड में रथ यात्रा में लेकर आइए। इस बार राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा रथ यात्रा के दिन नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन है, 3 तारीख को व्यास पूर्णिमा के दिन है। तो ये सभी भक्तों को निवेदन, तो आप सब भक्त अगले गुरुवार को आ जाइए, ऑफिस में छुट्टी ले लीजिए। और वैसे तो मंगला आरती से ही प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और रथ यात्रा 2 बजे होगी, 11-12 बजे प्रसाद होगा, प्रसाद लेकर भगवान को रथ पर आरूढ़ किया जाएगा और 2 बजे रथ यात्रा प्रारंभ। और रथ यात्रा के बाद भी प्रसाद हैं,
हम सब लोगों की सेवा कीर्तन करने की है। थोड़ी देर रथ को खींच लीजिए 5-10 मिनट, और फिर जहाँ हम कीर्तन कर रहे हैं उस टोली में आ जाइए और सब लोग साथ में नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ, मैंने यही कहा ना, इसके ऊपर बहुत सारे तर्क, वितर्क, प्रश्न बहुत कुछ होंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है अपने काउंसलर से या मुझसे बाद में अकेले मिलकर डिस्कस कीजिए। तो है, और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, अच्छा लगा, बहुत सुंदर। आपका स्वागत करते हैं, आप हर सोमवार को आते रहिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। ठीक है।